जरा संभल के यार। ये सिर्फ रंग में भंग डाल रहा है। अच्छा सुनो वीनस, मैं जानता हूँ तुम इस खेल में नए हो, पर क्यों ना तुम अगला एस्ट्रॉइड मेरे पर फेंको, ना कि किसी ऐसे प्लेनेट की तरफ जो इस गेम का हिस्सा भी नहीं है। चलो ठीक है, क्या तुम मेरी यॉर्कर के लिए तैयार हो? आजमा कर देख लो, लेकिन मैं तुम्हारे जोश की दाद देता हूँ। चलो आ जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वीनस? मुझ पर ये एस्ट्रॉइड्स फेंकना बंद करो, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं खेलना है। क्या प्रॉब्लम है मार्स? तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे मून्स को नष्ट कर दूंगा? अच्छा समझा, तो ये बात है। तुम जलते हो कि मेरे पास दो मून्स हैं और तुम्हारे पास एक भी नहीं है। इस सोलर सिस्टम के सबसे अजीब मून्स फोबोस और डीमोस से बेहतर है कि मैं बिना मून्स के रहूं। बस हो गया, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे और अर्थ के इस पागलपन में दखलअंदाजी नहीं दूं, लेकिन तुम ऐसे नहीं मानने वाले। आखिर तुम चाहते क्या हो? हां मुझे धमकी दे रहे हो क्या? पता नहीं मैं तुम्हारी किस चीज से बहुत तंग आ चुका हूँ। अच्छा तुम्हें लगा मैं डर गया? बस बहुत हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे की हरकतों से तंग आ चुके हो, लेकिन लड़ाई इसका हल नहीं है। मेरे पास इस समस्या का हल है। हेलो, क्या आपने हमारे खास दोस्त पेट्रियन के बारे में सुना है? नहीं नहीं नहीं, इसे स्किप मत करो। हमारी टीम ने एक चैलेंजिंग डिसीजन लिया है। हम लगातार बड़ी वीडियोस पोस्ट करना चाहते हैं। हम ऐसा कंटेंट डालना चाहते हैं जिससे आपको मजा आए, आपकी नॉलेज बढ़े, ना कि ऐसा कंटेंट जिससे सिर्फ नंबर्स बढ़े। मैंने अपने सभी पृथ्वीवासियों को स्पेस में भेज दिया है, वहाँ सबसे पहले घर बसाने वाले को मिलेंगे लाखों डॉलर्स। तो आप समझ गए ना, हमारे पेट्रियन को सपोर्ट कर आप हर महीने 3 बड़ी वीडियोस बनाने में हमारी मदद करेंगे। खैर इसके अलावा भी आपके लिए वहाँ काफी रिवॉर्ड्स हैं। अरे भाई लेकिन ये रिवॉर्ड्स है क्या, जरा बताओ तो। खैर आप हमारे कंटेंट को दूसरों से पहले देख पाएंगे। ये वीडियो काफी समय पहले ही पेट्रियन पर आ चुकी थी। इसके अलावा बिहाइंड द सीन्स, डिलीट किए गए सीन्स, क्रेडिट में आपका नाम, एनिमेटेड शो बनाने के ट्यूटोरियल्स, और तो और एस्ट्रोड्यूट पर आ रही मूवी से रिलेटेड जानकारी भी। अच्छा तो क्या तुम टीयर्स के बारे में भी कुछ बता सकते हो? बेशक, हमारे 4 टीयर्स हैं, कॉमेट, मून, प्लैनेट और स्टार। हर टीयर के अपने यूनिक फायदे हैं ताकि हर कोई हमारे इस मिशन में शामिल हो सके। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि जितना ऊंचा टीयर उसमें उतने ही लिमिटेड लोग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देर बिल्कुल ना करें। हमें ऑलरेडी सपोर्ट करने वाले पेट्रियंस का बहुत बहुत धन्यवाद और नए पेट्रियंस का हमारी टीम में स्वागत है। तो चलिए अब वीडियो पर वापस चलते हैं। तो स्वागत है आपका। सोलर सिस्टम के मुकाबले अर्थ का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? और आज के प्रतियोगी है वीनस और मार्स। लेकिन हमारी लड़ाई तो इस बात को लेकर थी भी नहीं। हाँ, अगर ये मुद्दा होता तो तुम हार चुके होते। तुम्हें पता है वीनस, एक अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो बस अपने दोस्त के साथ मस्ती करे। अच्छा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्तों की मदद करे और उसकी कमियां उसे बताए। और तुम्हें लगता है कि अपने दोस्त को ऐसे ही बीच ऑर्बिट में छोड़ देना अच्छा होता है? तुम दोनों बस भी करो। तो चलो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। तो पहले मुकाबले में ये दोनों हमारे सोलर सिस्टम के पसंदीदा खेल में हिस्सा लेंगे जिसका नाम है एस्ट्रॉइड डॉजबॉल। ये गेम मेरी समझ से तो परे है। इसमें रन्स बनाने होते हैं या गोल करने होता है? लगता है इस गेम में बस एक दूसरे की तरफ एस्ट्रॉइड फेंकते हैं और जिसे एस्ट्रॉइड पहले लग गया वो हार गया। सामना करो मार्स, मैं इस गेम में तुम जितना माहिर नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मैं तुमसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर हूँ। इस गेम में बड़े होने से कोई फायदा नहीं होता, तुम तो मेरी सोच से ज्यादा मूर्ख हो। मूर्ख कौन है पता चल जाएगा। क्या बात है, वीनस तो तेजी से अपनी तरफ ज्यादा एस्ट्रॉइड्स को अट्रैक्ट कर रहा है। सही कहा गुरुजी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मार्स की तुलना में वीनस ज्यादा डेंस है और इस वजह से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है। इसका मतलब कि वीनस के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में घुसते ही इन एस्ट्रॉइड्स के साथ उसका टकराना आसान है, वो खुद ही उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। तो वो इस गेम में अंडरडॉग है। अब तो मैं वीनस को ही सपोर्ट करूंगा। कम ऑन वीनस। तो वो मून्स की तरह अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल उन्हें अपने ऑर्बिट में खींचने के लिए कर रहा है, लेकिन इन एस्ट्रॉइड्स की वेलोसिटी के कारण वो मार्स की तरफ वापस जाने लगे। ओप्स। हे, ये कैसे हुआ? खेल खत्म हुआ। पहली प्रतियोगिता का विजेता है वीनस। सच में? क्या सच में मैं जीत गया?
मैं जानता था मैं मार्स को आसानी से हरा दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो अर्थ? इस वीनस ने सॉरी मार्स, वीनस ने तुम्हें हरा दिया है। अगर तुम मेरे बेहतर दोस्त बनना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं कहां फंस गया। तो अब समय है हमारी दूसरी प्रतियोगिता का। हमारी दूसरी प्रतियोगिता के लिए मेरे गोल्डी लॉक जोन में आप सभी का स्वागत है। अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो सच में अर्थ तुम हमसे ये सब करवा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? मेरा दोस्त बनने के लिए तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तो देखते हैं कि जीवन के लिए ज्यादा अनुकूल कौन है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? हम दोनों पर ही जीवन नहीं है। हाँ, और हम देख चुके हैं कि हम दोनों पर ही एस्ट्रोड्यूट की जान पर बनाई थी। खैर, तो तुम एस्ट्रोड्यूट से जाकर ही पूछ लो कि तुम दोनों के लिए ज्यादा जानलेवा कौन था। और प्लीज तुम ये बकवास प्रतियोगिताएं बंद करोगे? चुप, जाओ जाकर एस्ट्रोड्यूट से पूछो। ओए पृथ्वीवासी। अरे बाप रे। अच्छा तुम हो। अब क्या हो गया? मैं अपने मिशन की तैयारी कर रहा हूँ। ये तुम्हारे मिशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें बताना होगा कि हम दोनों में से जीवन के लिए ज्यादा अनुकूल कौन है। सच कहूँ तो तुम दोनों पर ही जीवित रहने लायक हालात नहीं है। मार्स पर तुम्हें दम घुटने, जहरीले गैसेस और ठंड के कारण लगभग मर ही गया था। और वीनस, तुम्हारी तो हर चीज ही जानलेवा थी, खासकर तुम्हारी गर्मी। वैसे गर्मी ठंड से ज्यादा बेहतर होती है। जीवन के लिए गर्मी जरूरी है ना? गर्मी और सर्दी दोनों बैलेंस में होना चाहिए। अर्थ के गोल्डीलॉक्स जोन में यही तो होता है। वीनस भी इस गोल्डीलॉक्स जोन में ही है, लेकिन फिर भी हम पृथ्वीवासी मार्स पर जीवन की खोज कर रहे हैं। क्योंकि वीनस, तुम काफी गर्म हो। तुम्हारा एटमॉस्फेयर सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ही रखता है, जिसकी वजह से एक खतरनाक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। मार्स भले ही ठंडा है, पर उससे हमारे इक्विपमेंट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। हालांकि तुम दोनों ही जीवन के लिए काफी बुरे हो, लेकिन तुम में से एक पर तो जीवन असंभव है। प्रोटेक्टिव सूट भी किसी काम का नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम पर जीवन होने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते वीनस। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बुरा मत मानना प्लीज। तो तुम्हें जवाब मिल गया, जीवन के लिए बेहतर मैं हूँ, समझे? मुबारक हो मार्स, तुम अभी भी कॉम्पिटिशन को जीत सकते हो। बिल्कुल गलत। अगली गेम कौन सी है? फिलहाल मुझे नहीं पता। मुझे लगा था कि मार्स जीत जाएगा, इसलिए मैंने तीसरा तो सोचा ही नहीं। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? अरे वीनस, तुम गुस्सा मत हो। बाकी तुमने साबित कर दिया कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। मैं कोई तिकड़म लगाता हूँ। कल आखिरी चुनौती के लिए इसी समय यहीं पर मिलते हैं। तब तक तो मैं कुछ सोच ही लूंगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। तुम नहीं आओगे तो भी चलेगा, और तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। हेलो अर्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, हाँ, तुमने अर्थ का सबसे अच्छा दोस्त कौन है प्रतियोगिता के बारे में नहीं सुना क्या? मुझे पता है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उनमें बस बहस ही तो हुई थी। खैर, अब ये बहसबाजी बहुत मायने रखती है। टाइटन के साथ मेरी छोटी सी बहस के बाद से ही मून और मार्स मुझसे दूर रहना चाहते हैं। अच्छा, तो उनके साथ दोस्ती करने के लिए तुमने ये प्लान बनाया है? देखो, सब प्लान के मुताबिक हुआ तो मेरे साथ दोस्ती करने के लिए वीनस और मार्स आपस में झगड़ पड़ेंगे। और प्लान गड़बड़ा गया तो तुम अपने सभी दोस्त खो बैठोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम देख लेना, कल ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा और उन दोनों में से जो जीता उसे मेरी दोस्ती का खिताब मिलेगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो अर्थ। तो क्या हम कॉन्टेस्ट शुरू करें? थोड़ा सब्र करो, वीनस आने ही वाला होगा। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। और अगर वो नहीं आया तो? शायद वो समझ गया है कि ये कंपटीशन हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मायने रखता है। बस अब चुप हो जाओ। अगर वीनस नहीं आया तो तुम खुद ब खुद इस कंपटीशन को जीत जाओगे। अरे सुनो, तुम लोग पहले से ही क्यों आ गए? तुमने सुना नहीं था क्या, कल मिलना है? कल हो चुका है। अभी तो काफी टाइम बचा है, क्या पहले आकर तुम चीटिंग करना चाहते हो? चीटिंग, वो भी सबके लिए? ए शांत हो जाओ, मुझे लगता है तुम दोनों ने गलत टाइम जोन्स चुन लिए हैं। टाइम जोन्स? खैर, एक प्लेनेट एक दिन में अपने पूरे एक्सिस का चक्कर लगाता है ना? मेरे और मार्स के लिए ये समय लगभग एक जैसा ही है। तुम्हारा एक दिन कितने घंटों का होता है? लगभग 5,832 घंटे। तो तुम्हारे टाइम के हिसाब से हम काफी जल्दी आ गए, नहीं? हाँ, लेकिन मुझे ये जीतना है। हाँ, मैं देख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मार्स इस कॉम्पिटिशन को जीत गया है। तुमने आने में देरी कर दी वीनस। क्या? मैंने वही किया जो तुमने मुझसे कहा। मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन ये कंपटीशन था, किसी की जीत तो किसी की हार। लेकिन मार्स, तुम्हें बधाई हो, तुम जीते हो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बनने का खिताब। अरे बस भी करो, ये क्या अच्छा दोस्त लगा रखा है? दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझे लगा था कि ये कुछ अलग होगा या फिर तुम बदल गए हो, लेकिन तुमने इस कॉम्पिटिशन को भी अपने मतलब के लिए रखा था। टाइटन सही था।
तुमने कंपटीशन करवा के अपनी फेवरेट गेम खिलाई और एस्टिट्यूट से ये साबित करवाया कि किस पर जीवन संभव है, और तुमने अपने मतलब के लिए वीनस को भी इस सब में घसीट लिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मार्स, मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि तुम मेरे जैसे ही हो। और मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारे जैसा हूँ या नहीं, ये सब तुमने अपने आप को महान दिखाने के लिए किया। शायद मेरा पानी तुम्हारे पृथ्वीवासियों के लिए जानलेवा है, या फिर शायद वीनस पर बहुत गर्मी है, लेकिन सच कहूँ तो हम तुम्हारी जितने मतलब ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ। मार्स रुको। खैर अब वो चला गया है तो इस कॉम्पिटिशन के विजेता तुम हुए वीनस, तो तुम हो मेरे नए बेस्ट फ्रेंड। क्या जो मार्स ने कहा वो सच में सही बात है? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है वीनस, तुम इस बात की चिंता मत करो, चलो एस्ट्रॉइड डॉजबॉल खेलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो वीनस, मेरी बात तो सुनो। ये सिर्फ मतलब की दोस्ती है, तुम रहने दो। नहीं ऐसा नहीं है वीनस, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे कारण ही तो मेरा एक्सेस स्थिर रह पाता है और मुझ पर जीवन संभव है। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ वीनस। सब मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हमारे पेट्रियन सपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पेट्रियन सपोर्टर नहीं हैं, तो आप भी हमारी शानदार टीम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल हमारे पेट्रियन पर बहुत ही शानदार कंटेंट अवेलेबल है जो सिर्फ हमारे मेंबर्स देख सकते हैं। हम वादा करते हैं कि आप निराश नहीं होंगे। जल्द ही मिलते हैं।